बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, की हाल जनाब? ठीक हो? उम्मीद करते हैं भी सारे खैर खैरियत नाल होंगे। अल्लाह ताला हर इंसान उसे तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भैन भाई, मेरे व्यूवर्स सारे नूं मेरी तरफों मोहब्बत भरा सलाम। अज नवी वीडियो के नाल आगाज कर रहे हैं एक पाक पतन शरीफ दरबार से इंशाल्लाह ताला हाजरी देंगे, सलाम भी करांगे और तुहानू ही सारे ज़ियारत करावांगे। असी पाक पतन च आए हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला पाक पतन तो बाद फिर जन पीर दरबार से भी ज़ियारत करांगे जाके और तुहाडी भी करावांगे। तो अज इस वीडियो का आगाज़ असी इंशाल्लाह ताला पाक पतन शरीफ चो कर रहे हैं। तो तमाम वीवर दोस्त, मेरे वीर भैन भरा जिन्हें भी हैं सारे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो इंशाल्लाह ताला अज ज़ियारत कम दरबार शरीफ नहीं कराने, अल्लाह खैर रखे। तो आओ चलिए जाके तो पाक पतन शरीफ दरबार से सलाम करते हैं। लो जनाब, पाक पतन शरीफ जा रहे हैं बाबा फरीद शकरेगंज के दरबार से। तकरीबन अस पहुंच रहे हैं, शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं। लो जी जनाब, बाजार के वड़ गए जनाब असी बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह दे। ए देखो जनाब, ए शक्कर दे थाल भरे पे ने जनाब, वन सवनी ए मखाने, ए थैलियों च पैकिंग भी हुई हुई है। अगे आ जाओ जी जनाब, अगे देखो जनाब, ए मेन बाजार है। हर चीज़, खिलौने वगैरह, श्रीणी वगैरह, हर शाय इत पई हुई है। और सामने जनाब आ चौक रास्ता फिर आ गया जनाब। लो जी, अंदर दाखिल हो गया दरबार, दरबार शरीफ के। ए सेम जनाब पाक पतन शरीफ वाले का, पाक पतन शरीफ बाबा फरीद शकरगंज जनाब। ए सेम जनाब, सारे लोग आए हुए ने। सुबह सुबह टाइम है, ज़्यादा लोग नहीं है। तकरीबन सुबह सुबह उठ के अभी नाश्ता करके तो निकला दरबार तक। देखो जनाब, दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्ला दा। अजे लोग आ रहे ने, 9:30 बजे का टाइम सुबह का। हजरत मियाँ अली मोहम्मद की कबर मुबारक थले शेड दे बेहतरीन सफाई, जबरदस्त सामने क्वालिटी होन रही है। इस वास्ते मैं फिर बाद रिकॉर्डिंग बाद कर रहा जनाब, क्वालिटी की फिर बाद आ जानी सी। सुबह सुबह लोगों की आमदरफ्त ज़्यादा हो रही है जनाब। यह मस्जिद है जी, पाक पतन शरीफ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। मज़ार दे बिल्कुल ही कोल ही है, पास ही बिल्कुल। मस्जिद बहुत आलीशान मस्जिद है जनाब। है मस्जिद जनाब, है सेम अगे मस्जिद। यह साइड पर हुजरा मुबारक जिथे आप इबादत करते रहे हैं। ये तुम मैं नज़दीक जाके भी तुम दिखा, अंदर भी दिखा है। सामने सेन दे कुछ कबर ने,
ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੀਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੀਲੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਛੋਟਾ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਛੋਟਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾ ਅਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਮ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਫਰਸ਼, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਕੀ ਸੈੜਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋ ਮਸਜਿਦ, ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਜੰਨਤ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜੀ ਬੇਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਰੌਣਕ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਹਰਮਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, 4-2-4 ਜਾਂ 5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਇਹ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਚੇ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਮਣ ਸੀ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਉਦੀਨ ਮੌਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਵਾਨ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਝੂਲਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਗਾੜ, ਕਿਤਨੀ ਮੋਟੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਤੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਜੁੱਬਾ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਲਮ ਪਿਆ,
नारायण मुबारक आप दे काट दी रोटी। शीशा बहुत धुंधला जा रहा, सही नज़र नहीं आ रही। ऐ काट दी रोटी। 36 साल जोत कमाया जनाब, इबादत की जंगलों से जाके जो भुख लगती रही तो लकड़ की रोटी गल च पई थी उन्होंने तो चक मार दे अपनी भुख है जी भुख मंडाते रहे। इबादत कीतियाँ अल्लाह तआला ने सिखा भी दिता। उजरा मुबारक जिथे आप बात करते रहे दरवाजा उजरा मखदूम पाग सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबर की हजरत मखदूम पाग की ने उजरे च मुबारक बात करते रहे। ए जाली थोड़ी अंदरों तक मैं दिखा गुजरा मुबारक जनाब ए उजरा नाल ही बिल्कुल एक होर उजरा है अंदर तो ख्वाजा शाह फजलुद्दीन इत बैठ के बुजुर्ग बात करते रहे। कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू होया बाहर वाला मेन गेट का जरा तमीर कर रहे हैं दोबारा सारा मरहला सेम दे उजरे के सामने दो कबर ने। मैं हम जा रहा जनाब सलाम कर पहले मैं वीडियो बनाई हूँ मैं चलो सलाम शलाम कर लिए दुआ शुआ मंगीए फातिहा नाले काफ़ी रश से पहले अंदर जगह थोड़ी होंगी खलोन की थोड़े जे बंदे 15-20 मसा खलो सकते हैं काफ़ी रश बंद हो गया। लो जनाब ऐसी अज की वीडियो जी पार्क शरीफ च बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्ला अलैह दे मज़ार से असं आए सो थे शेयर की है सारी सारा ज़ियारत की सलाम किया वा थानू भी ज़ियारत कराई है तो मेरे वास्ते सारे मेरे व्यूवर दोस्त मेरे भैन भाई मेरे वास्ते दुआ कराया करो अल्लाह तआला सेहत तो तंदुरुस्ती मैंने भी अता फरमाए और सारे तुम्हें भी अता फरमाए और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। ये अज की वीडियो से जनाब जी थोड़े ना शेयर की है अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आई है बाबा जी पंजाबी चैनल तो अपना मेरे वीडियो जी उन्हें शेयर करो लाइक करो सबसक्राइब भी करो जी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया नवादिश का शफकत का प्यार का बहुत मेहरबानी जनाब।